महिलाओं पर होते अपराध से दिल्ली कई बार दहल चुकी है। कुछ सनसनीखेज वारदातों से समाज कई बार आक्रोशित हो चुका है। मैं दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर दिल्ली की हर महिला को एश्योर करना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आज समाज में जरूरत है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की, और जिसके लिए कुछ लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि असमानता से फैले अपराध को खत्म कर सकें और आने वाला कल खूबसूरत हो सके। एक आदर्श समाज की कल्पना को हकीकत में बदलने का जज्बा और संकल्प लिए दिल्ली पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। कोई तुम्हें अगर गिरा रहा है ना, तो उसे ना गिर जाओ उसके लिए, लेकिन गिरने के बाद उसको उठ के दिखाओ। एक की कमाई से भी कुछ नहीं होने वाला है, और हम अगर आज नहीं कमाएंगे तो शायद कभी नहीं कमा पाएंगे। हमारी खुद की लड़ाई खुद को ही लड़ना पड़ेंगे, आखिर में करना हम ही को ही है। और ये कैब्स दिल्ली पुलिस के इन्हीं प्रयासों में से एक है, जिसके सहारे कुछ महिलाएं बेखौफ बेफिक्र उजाले की ओर आगे बढ़ रही हैं। कुछ महिलाएं दिल्ली पुलिस के संपर्क में आईं, उन्हें एकत्रित करके उनसे कैब के विषय पर बात की गई, उन्हें समझाया गया कि वो अब आत्मनिर्भर होने जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने संरक्षण में इन महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। इतना तो आगे आए कि अपने आप को किस तरह बचाना है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के बाद हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। 16 जनवरी 2015 को पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी ने उनकी इस नई शुरुआत को हरी झंडी दी। इसमें जो हमारी लाइफ ही सिक्योर नहीं है, हमारी बेटियां भी सिक्योर है। दिल्ली पुलिस ने जो पहल शुरू करी है, इससे मेरे को बहुत राहत मिली है। पहले मेरी जिंदगी बहुत अंधेरे में थी, अभी जब से इसमें आई हूँ तब सब कुछ सेट होता हुआ नजर आ रहा है। इज्जत बहुत ज्यादा है कि एक लड़की होके इतना दूर कर सकती है। सड़कों पर आजाद दौड़ती ये महिला चालक एक प्रेरणा एक उदाहरण है उन महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर होना चाहती है, जो खुलकर जीना चाहती है। ये आगाज है अपराध मुक्त और खूबसूरत समाज का, जिसकी कल्पना हम अक्सर करते हैं और जिसे अपनी मेहनत और लगन से हकीकत का रूप दे रही है दिल्ली पुलिस।